जी अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द डॉकर स्वॉर्म। अब तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने डॉकर्स एंड कंटेनर्स क्रिएट किए हैं, और उनके लिए डॉकर्स और कंटेनर्स को हमने लोकली यूज़ किया है। बट व्हाट इफ के अगर हम इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हम सोचें कि किस तरह से ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर फ्रॉम ऑन द सर्वर डिप्लॉय होंगे और उनका एक लाइफ साइकिल किस तरह से मैनेज होगा। मिसाल के तौर पर कि आपके पास लोकल डॉकर है और कंटेनर्स हैं और उनको आप प्रोडक्शन के अंदर अप कर रहे हैं इन रियल टाइम, तो किस तरह से जाएंगे, उनके स्केल अप कितने होंगे, किस तरह से स्केल अप और स्केल डाउन किस तरह से होंगे, अगर कोई कंटेनर फेल हो जाता है तो दोबारा से रीसाइकल कैसे क्रिएट होगा। सो दीज आर ऑल एंड देर आर दी मैनी अदर इशूज़ जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जो कि एक प्रॉब्लम्स हमें एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर फेस हो सकते हैं। बट फॉर नाउ ऑन द बेसिक थिंग्स इफ़ वी अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डिप्लॉय दी कंटेनर्स इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, उनका लाइफ साइकिल कैसे मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स या मल्टीपल नोड्स अगर हमें चलाने हो तो उनको किस तरह से कर सकते हैं, तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल जो कि डॉकर हमें प्रोवाइड करता है, इट इज़ द डॉकर स्वॉर्म। So in this lecture we'll learn some basic of the Docker Swarm और उसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर, कहीं किसी सर्वर के ऊपर नहीं, लोकली हम Docker Swarm क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो उसकी क्या बेसिक कमांड्स हैं और हाउ वी कैन मैनेज दिस। ठीक है, तो अपना PowerShell इन्वायरमेंट हम उसके अंदर खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरे पास PowerShell environment है and we have the Docker's command जो कि मैं ऑलरेडी आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट Docker Swarm is by default is not enabled। ठीक है, तो उसके लिए हमें सब चेक करना पड़ता है Docker info की कमांड है जो हम चलाएँगे, और जब हम चलाएँगे तो यहाँ पर जाके देखें, सही है ये रहा। तो ऊपर की तरफ तो डॉकर स्वॉर्म इस वक्त यहाँ पर मेरे पास तो एक्टिव है, लेकिन मैंने इमेज सेव करके रखा हुआ था जिस वक्त वो एक्टिव नहीं था। तो व्हेन यू डू दिस कमांड तो वहाँ पे आपको डॉकर स्वॉर्म इनएक्टिव इस तरह से नज़र आएगा, राइट। तो उसको एक्टिव करने के लिए क्या है कि आपको एक्टिव करने के लिए सिंपल आपको कमांड देनी होगी डॉकर स्वॉर्म इनिट की। ठीक है, सो यू जस्ट डू दिस कमांड और वो इट विल टेक फ्यू सेकंड और उसके अंदर आपका डॉकर स्वॉर्म एक्टिव हो जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट डू इट अगेन द डॉकर इन्फो कमांड और वहाँ पर आपको डॉकर स्वॉर्म एक्टिव नजर आएगा, दैट्स राइट। तो डॉकर स्वॉर्म एक्टिव हो जाने के बाद फिर हमारे पास वी कैन चेक इट आउट के हमारे पास जो नोड्स हैं वो डिफरेंट नोड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाके कमांड दें कि डॉकर नोड ls, तो यहाँ पे आपके पास एक लीडर नोड जो है क्रिएट हो गया है। लीडर नोड इट्स लाइक के विच इज़ क्रिएटिंग दी ऑल दी अदर वर्कर नोड्स होंगे जो कि क्रिएट होंगे और जो तमाम उनको मैनेज कर रहा होगा, राइट। तो एक हमारे पास लीडर नोड क्रिएट हो गया है और वी कैन जस्ट चेक इट आउट के व्हाट कमांड्स वी हैव। तो डॉकर नोड डैश डबल डैश हेल्प, जैसे कि हमें मालूम है, हम यहाँ से जाके दूसरी हेल्प वगैरह कमांड्स देख सकते हैं। सो नथिंग मच वी कैन डू इट हियर, वी कैन चेक दी ls एंड प्रोमोट ps rm वगैरह हम यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दूसरी कमांड्स हैं जैसे डॉकर स्वॉर्म एंड रेकॉर्ड सर्विस है। सो डॉकर स्वॉर्म डबल डैश है, तो यहाँ भी हमारे पास इनिट जॉइन वगैरह की हम कर रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त आप इसको इनिशलाइज करेंगे तो वहाँ पर आपके पास सो व्हेन यू इनिशलाइज दी डॉकर स्वॉर्म कमांड, आप जब इनिशलाइज करेंगे तो इस तरह से स्वॉर्म इनिशलाइज हो जाएगा और यहाँ पर एक आपके पास पूरा आ जाएगा कि अगर जब आपको लेटर ऑन इसको ज्वाइन करना हो अपने इस लीडर नोड को तो इस तरह से आप कमांड वर्क करेंगे। तो ये चीज़ भी आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, राइट। और ज़रूरी भी नहीं है
इसे करके रखें, बट इट इज जस्ट माइट हेल्पफुल फॉर यू टू कीप एंड सेव दिस थिंग्स एज वेल राइट। सो फर्दर हमारे पास जो कमांड है वो है डॉकर सर्विस की। अब तक हम जो क्रिएट करते रहे हैं वो डॉकर कंटेनर्स हम क्रिएट करते रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सर्विसेज। तो हम सर्विसेज क्रिएट और सर्विसेज के पीछे जो है वो कंटेनर चल रहे हैं। आई विल डेमोंस्ट्रेट यू इन अ मिनट। तो उसके अंदर भी आपके पास हेल्प के थ्रू आप देख सकते हैं कि व्हाट कमांड्स वी हैव इन द सर्विसेज। सो इस तरह से हम कमांड जो है वहाँ पे लॉग्स एल एस पी एस एंड आर एम वगैरह के कमांड देख सकते हैं। So after going this thing without wasting time we'll just create a new service। और हमने यहाँ पे जो एक example यहाँ पर दिए बहुत सिंपल सी example है Alpine जो कि एक basic Linux package है उसका हम एक service create करेंगे और उसके अंदर हम जो command हम दे देंगे वो ping की command दे देंगे कि ping एक .8.8 को जो वो Google का server है उसको first ping करा होगा। तो this is what we are creating a new service right now। Okay just what for the example तो Docker service Alpine and यहाँ पर हमारे पास जो कमांड हमें दे रहे हैं वो पिन 8.8.8.8 ठीक है। सो Docker service create ठीक है ना Docker service create सो अगेन अगर ये अल्पाइन का इमेज आपके पास नहीं होगा तो वो फिर जिस तरह से हमारे पास कंटेनर के अंदर होता है डाउनलोड करता है और सारे आपके कंटेनर बनाता है तो उस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर इसने एक सर्विस क्रिएट कर ली है तो मैं अगर यहाँ पे जाके देखूँ डॉकर सर्विस एल एस तो एक सर्विस क्रिएट हो गया। उस सर्विस को चूँकि हमने कोई नाम नहीं दिया था जिस तरह से डॉकर के अंदर कंटेनर में हम बनाते थे तो कंटेनर के अंदर हम नाम नहीं देते तो खुद से नाम दे देता था। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर उसने एक सर्विस क्रिएट कर ली और सर्विस के अंदर उसने उसको एक नाम दे दिया ठीक है और उसकी एक आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गई उस सर्विस की। सर्विस के पीछे कंटेनर ही चल रहा है जो मैं अभी आपको शो करता हूँ। उस कंटेनर में इमेज का जो जो चल रहा है वो अल्पाइन इमेज चल रहा है और यहाँ पर रेप्लिकास जो है उसके 1 out of 1 चल रहे हैं। 1 out of 1 का मतलब ये है कि जो राइट साइड पर कि टोटल कितने रेप्लिकास हैं और चल कितने रहे हैं ठीक है ना। सो राइट नाउ अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही रेप्लिका है और एक ही चल रहा है और रेप्लिकेटेड मोड के अंदर है ठीक है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ कि डॉकर सर्विस पीएस तो ये मुझे पे फर्दर डिटेल उसकी दे देता है जिसके अंदर यहाँ पर आप देखें तो उसका नाम आ रहा है और नाम के साथ डॉट करके 1 आ रहा है क्योंकि इस वक्त मेरे पास जितने रेप्लिकास चल रहे हैं उसके हिसाब से ये खुद ही से एक इजाफा कर देगा उनके नंबर्स का ठीक है। तो आई विल क्रिएट न्यू अपडेट दी रेप्लिकास और मैं इंक्रीज कर लूँगा अभी इसके थोड़ी देर में रेप्लिकास तो ये इसी तरीके से 1, 2 करके जो है इजाफा करता चला जाएगा। इमेज का नाम आ रहा है साथ में चूँकि ये नोड चल रहा है तो डॉकर डैश डेस्कटॉप नोड के अंदर ही यहाँ पे चल रहा है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको दिखाया था कि अगर डॉकर नोड एल एस जब डॉकर नोड एल एस करूँ तो इस वक्त मेरे पास जो नोड चल रहा है जो कि मास्टर नोड है लीडर नोड है वो डॉकर डैश डेस्कटॉप का है तो उसी नोड के अंडर में ये मेरी सर्विस जो है ना ये क्रिएट हुई है राइट। और ये सर्विस की इस वक्त स्टेट है रनिंग में है और ये थोड़ी देर पहले वही वाला स्टेट है। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको चेक कराऊँ कि डॉकर कंटेनर एल एस करता हूँ तो फिर डॉकर कंटेनर एल एस करने के ऊपर हमारे पास वही एक स्टेटस आ जाता है कि कंटेनर एक आ गया सर्विस के पीछे कंटेनर चल रहा है और वो सर्विस के पीछे जो कंटेनर है उसकी आईडी आ गई इमेज आ गया कमांड जो चल रही है वो आ गई और थोड़ी देर पहले क्रिएट हुआ था उसका जो नाम क्रिएट हुआ है यहाँ पर आप देखें तो कंटेनर के नाम के अंदर वही सर्विस का नाम .1 और फिर साथ में उसने रैंडमली एक नेम जो है ना उसके साथ ऐड कर दिया ठीक है। तो इस तरह से एक हमारे पास हमने एक अपनी स्वाम के अंदर एक सर्विस क्रिएट की है। सर्विस के पीछे बेसिकली
के इमेज है जिसके अंदर वो कंटेनर ही चल रहा है, ठीक है। सो आई गो बैक टू माय थिंग, और यहाँ पे वही सारी कमांड्स हैं जो मैंने अभी आपको चला के देखी। ये बेसिकली सर्विस का नाम है जो उस वक्त मैंने चलाया ना, तो अभी मेरे पास जो सर्विस का नाम है वो डिफरेंट है और आपके पास जो सर्विस का नाम आना वो डिफरेंट आ रहा होगा, सो तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट। और नाउ लेट्स अपडेट दिस थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक कमांड लिखी हुई है जिसमें मैं इसको अपडेट करूँगा, और उसके मैं मेरे पास अभी ये 1 out of 1 रेप्लिका चल रहा है, मैं उसको 3 के ऊपर अपडेट करूँगा। तो यहाँ भी आपके पास जो टैब कंप्लीशन मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जो सर्विस का नाम होगा वो सर्विस जो है यहाँ पे देखेंगे डॉकर सर्विस अपडेट एंड सर्विस नेम क्या है हमारे पास, डॉकर सर्विस एड्रेस और फिर डॉकर सर्विस अपडेट #replicas3, ठीक है। तो मैं इसके रेप्लिकास जो है उसको अपडेट कर रहा हूँ, और अभी मेरे पास 1 है और इसको मैं 3 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर ये 1 out of 3, 2 out of 3 और 3 out of 3 जो है ना वो रनिंग स्टेट के अंदर आ गए और इसने चला दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूँ कि डॉकर सर्विस ls, तो नाउ यू सी कि पहले हमारे पास आ रहा था, जैसे यहाँ पे भी देखें कि मैंने डॉकर सर्विस ls की जो कमांड चलाई थी उसके ऊपर जो रिज़ल्ट आया था, तो वहाँ पर मेरे पास एक रेप्लिका आया था, राइट। लेकिन अब अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वही सर्विस है, ठीक है, और उसके अंदर 3 out of 3 आ रहा है। नाउ लेट्स डू सम अदर थिंग, डॉकर सर्विस ps। तो अगर मैं इसके यहाँ पे प्रोसेसर्स में जाके देखता हूँ तो अब मुझे ये 3 डिफरेंट जो कंटेनर्स हैं वो बेसिकली नज़र आ रहे हैं पीछे चलते हुए, या सर्विस प्रोसेसर। तो जिसमें से जो सर्विस का नाम है हमारा डीमी वेब, उसके अंदर .1, .2, .3 इसने करके ऐड कर दिया है, ठीक है, और सारे के सारे उसी नोड के अंदर चल रहे हैं जो कि हमारा नोड है। तो हमारे पास अब ये 3 नोड हो गए। लेट्स गो एंड चेक द कंटेनर्स एग्जैक्टली, डॉकर कंटेनर ls। तो कंटेनर भी अब जाहिर सी बात है जब 3 सर्विस की जो उसके रेप्लिकाज हैं वो 3 रेप्लिकाज हो गए, तो कंटेनर भी 3 क्रिएट हो गए, और तीनों के जो कंटेनर्स हैं वो डिफरेंट आईडीज़ हैं, और इमेज तो वही चल रहा होगा, कमांड भी वही सेम चलती रहेगी डिफरेंट, एक तो 6 मिनट पहले जो हमने सबसे पहले बनाया था और बाकी है, और उसके अंदर आप देख लें तो वही 1, 2, 3 करके हो गया, बाकी हर कंटेनर के अंदर एक डिफरेंट उसने आईडी या उसका नाम जो है वो उसका ऐड कर दिया साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डू दी डिफरेंट सर्विसेज क्रिएट करते हैं और उनके अंदर अपडेट करते हैं। तो नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट हेयर, आई शो यू द मैजिक हेयर, कि मैं क्या करता हूँ कि डॉकर कंटेनर और rm -f और एक जो कंटेनर है उसको मैं फोर्सफुली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इनमें से किसी से भी एक को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसकी आईडी को लिया, तो अब मैं जाके डॉकर सर्विस ls करता हूँ, तो ये देखें तो 2 out of 3 आ रहा है, यानी कि एक जो कंटेनर में से 3 टोटल हैं और 3 में से 2 चल रहे हैं, ठीक है, ये अभी इस वक्त आ रहा है। लेकिन अब मैं दोबारा से करूँगा तो अब 3 out of 3 आ जाएगा। मतलब हुआ ये कि पीछे किसी भी वजह से ड्यू टू सम अननोन रीज़न हमारे पास 3 कंटेनर की सर्विस थी जो हमने डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास जो सर्विस है उसके अंदर 3 रेप्लिकास चल रहे हैं, और ड्यू टू एनी रीज़न फ़िलहाल तो मैंने उसको फॉर दी लैब एक्सरसाइज मैंने फोर्सफुली शट डाउन कर दिया या डिलीट कर दिया, बट इन द रियल सिनेरियो ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ आवर 1 नोड हैज़ बीन गोन डाउन
तो पीछे स्वॉर्म क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरा कंटेनर अप करेगा और उसको नंबर जो उसके हैं वो टोटल नंबर्स को पूरा करेगा। एंड टू सी दिस थिंग डॉकर सर्विस पीएस तो यहाँ आप देखें तो ये शो कर रहा है कि डॉकर ये सर्विस वन चल रही है, टू चल रही है, थ्री चल रही है। और यहाँ पर बीच में हुआ ये था कि एक जो थी वो शट डाउन हो गई थी, फेल्ड अबाउट अ मिनट अगो, ठीक है ना, एग्जिट कर गई थी, फेल कर गई थी, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि जब ये फेल्ड कर गई तो उसने फौरन से दूसरी सर्विस जो है वो उसने क्रिएट की और उसके ऊपर नोट ऐड किया उसके अंदर, और उस नोट के अंदर एक और जाके सर्विस के अंदर जो कंटेनर था उसको ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली खुद से उसने। सो दिस इज़ व्हाट द डॉकर स्वॉर्म डू। ये तो एक चीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट जो कि हमने उसके अंदर स्लाइड के अंदर देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हमने मैनेज करने हैं, हमने उसके अंदर एप्लीकास के अंदर बता दिए एंड इट जस्ट कीप मैनेजेस इट इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग विच वी कैन सी फ्रॉम हेयर। और अब हम उसको जाके वहाँ से डिलीट कर सकते हैं एंड डिलीट करने के लिए के डॉकर सर्विस आरएम एंड सर्विस का नाम, ठीक है, जैसे हमने किया है तो उसके अंदर डॉकर कंटेनर एलएस कीगा फ़ौरन से, तो आपको ये सारे के सारे कंटेनर चलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। इट टेक्स फ्यू सेकेंड और उसके बाद फिर आप दोबारा से चलाएंगे तो आपको खाली नज़र आएगा। सो हुआ ये कि जैसे आपने सर्विस रिमूव की तो सर्विस रिमूव होने के बाद उसने अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट करा था, जिसके बाद वो पीछे जितने भी कंटेनर्स चल रहे थे उन सारे के सारे कंटेनर्स को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा और योर सर्विस। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो कि हम डॉकर सर्वर के अंदर डॉकर स्वॉर्म के अंदर कर सकते हैं एंड यू जस्ट डू द प्रैक्टिस एंड विल सी दी सम एडवांस थिंग्स हैं।